रजनीकांत के फैंस के लिए गुड न्यूज है, मेगा स्टार रजनीकांत अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आपको बता दें, रजनीकांत के ब्लड प्रेशर में कुछ समस्या थी जिसके लिए उन्हें हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स लगातार उनकी देखरेख में लगे हुए थे। अपोलो हॉस्पिटल की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है, उन्हें किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है। उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया था, हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें अभी बेस्ट रेस्ट की सलाह दी है। इसके साथ ही रजनीकांत को तनाव से दूर रहने और शूटिंग सेट पर न जाने की सलाह दी गई है। रजनीकांत का एक हफ्ते में दो बार ब्लड प्रेशर चेक किया जाना है। वहीं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रजनीकांत घर पहुंचे तो वहां उनकी आरती के साथ स्वागत किया गया। गौरतलब है, पिछले दिनों रजनीकांत अन्नार्थे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसके सेट में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से शूटिंग रोक दी गई थी और रजनीकांत ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। ब्लड प्रेशर में आ रहे उतार चढ़ाव के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं अन्नार्थे की शूटिंग को लगभग 9 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है।